हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, क्या आप भी अपने किसी फ्रेंड को कोई वीडियो सेंड कर रहे हैं और वीडियो सेंड नहीं हो पा रही है और उसमें रिट्राई का ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह से आप अपनी इस रिट्राई वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने यहाँ पर एक वीडियो सेंड की है और दोस्तों उसमें यहाँ पर रिट्राई लिखकर आ रहा है। तो इस रिट्राई फाइल को किस तरह से भेजेंगे, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक फाइल आपको भेजकर दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक फाइल अटैच करते हैं। तो अटैच करने के लिए हम यहाँ पर अपनी गैलरी में आ जाते हैं और गैलरी में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम अपनी कोई भी एक फाइल अटैच कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर इस वीडियो को सेलेक्ट कर लिया है। इसको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर आ चुकी है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर ऊपर की साइड में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर हमारे पास 17 MB का ऑप्शन आ चुका है। तो दोस्तों, व्हाट्सएप में एक लिमिट है कि हम यहाँ पर सिर्फ 17 MB तक की ही वीडियो सेंड कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा की वीडियो है तो हम यहाँ पर सेंड नहीं कर पाएंगे। अगर हम इस वीडियो को सेंड करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो को दो पार्ट में हमको सेंड करना पड़ेगा, पहले स्टार्टिंग की और फिर लास्ट की। दोस्तों, अगर आप भी इससे ज़्यादा की फाइल को भेजना चाहते हैं तो उसको किस तरह से भेजेंगे? इसको भेजने के लिए दोस्तों आप यहाँ पर इसको अटैच वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे। डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर वो वीडियो फाइल देख लेनी है। अगर वो वीडियो फाइल यहाँ पर लिस्ट में दी हुई है तो आप वहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर नहीं दी तो आप ब्राउज अदर डॉक पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप ऊपर की साइड में क्लिक करेंगे और यहाँ से आप वीडियो सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम यह वीडियो वाला फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों, जिस भी फोल्डर में आपकी वो फाइल पड़ी है आपको उस फोल्डर को ओपन कर लेना है। तो हमारी वो फाइल दोस्तों रिकॉर्ड मास्टर के अंदर पड़ी है, तो हम यहाँ रिकॉर्ड मास्टर पर क्लिक करेंगे और उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अपनी वाली फाइल सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर ये एक 46 MB की फाइल आपको भेजकर दिखा देते हैं कि 46 MB की फाइल भी हम अपने व्हाट्सएप से किस तरह से भेज सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे हम उस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेंड का ऑप्शन आ जाएगा और सेंड करते ही दोस्तों ये वीडियो हमारे यहाँ पर व्हाट्सएप पर सेंड हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से हम 17 MB से ज़्यादा की भी फाइल अपने व्हाट्सएप से भेज सकते हैं। तो दोस्तों, व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट से आप 100 MB तक की फाइल आसानी से भेज सकते हैं। अगर कोई भी वीडियो आपकी जो 17 MB से ज़्यादा है और आप उसको अपने व्हाट्सएप से भेजना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट से उसको आसानी से भेज सकते हैं, पर वो 100 MB तक होनी चाहिए। अगर आपकी कोई वीडियो 100 MB से ज़्यादा है तो उसको भेजने के लिए दोस्तों आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना पड़ेगा। अगर आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च वाले बॉक्स में क्लिक करना होगा और इसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको टाइप कर देना होगा media.io। media.io पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वीडियो कंप्रेसर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको इस वीडियो कंप्रेसर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको अपनी वाली फाइल सेलेक्ट कर लेनी है जो भी 100 MB से ज़्यादा हो। तो हम यहाँ फाइल पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर कोई सी भी एक 100 MB की फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। फिलहाल हमारे मोबाइल में 100 MB की फाइल नहीं है तो हम यहाँ पर 93 MB की फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि हमारी फाइल 93 MB की है, जो कि इसको हम यहाँ पर अगर कंप्रेस करेंगे तो ये हमारी फाइल सिर्फ 27 MB की हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी फाइल का साइज भी छोटा कर सकते हैं और उसको व्हाट्सएप पर आसानी से भेज सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमको कंप्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और कंप्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारी ये वीडियो यहाँ पर कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर इस कंप्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों ये फाइल यहाँ पर अपलोड होना स्टार्ट होगी और अपलोड होते ही दोस्तों हमारे सामने कंप्रेसिंग का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये फाइल हमारी लगभग यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। तो अपलोड होते ही दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि आप कंप्रेसिंग का ऑप्शन आ चुका है। तो जैसे ये फाइल हमारी कंप्रेस हो जाती है तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है। तो दोस्तों हम यहाँ से इस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। तो डाउनलोड वाली फाइल पे क्लिक करते ही दोस्तों हमारे सामने डाउनलोड फाइल हो जाएगी। तो हम यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों आपके सामने एक और विंडो हो जाएगी और आपकी डाउनलोडिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। आप इसको देखने के लिए ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी फाइल यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपकी फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है, जो कि आपने यहाँ पर अभी कन्वर्ट की है। तो जैसे ये फाइल कन्वर्ट हो जाएगी तो इस फाइल को आप अपने व्हाट्सएप से आसानी से भेज सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने व्हाट्सएप से 100 MB से ज़्यादा की भी फाइल आसानी से भेज सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी ये फाइल यहाँ पर कन्वर्ट हो चुकी है और सिर्फ 29 MB की बची है, जबकि ये फाइल 93 MB की थी। हम यहाँ पर फिर से डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे और डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने के बाद ब्राउज अदर डॉक्स पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये फाइल हमारी उसी वीडियो वाले फोल्डर पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम डाउनलोड वाले ऑप्शन फोल्डर पे आ जाएंगे, क्योंकि ये फाइल हमारी डाउनलोड होकर डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर आ जाएगी। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारी वो 26 MB की फाइल आ चुकी है, जो कि 93 MB की थी। तो अब हम इस फाइल को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसको सेंड कर देंगे। तो सेंड करते दोस्तों ये फाइल हमारी व्हाट्सएप पर सेंड हो जाएगी। दोस्तों इस तरह से आप अपनी किसी भी 100 MB से ज़्यादा की भी फाइल को आप अपने व्हाट्सएप पर आसानी से भेज सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया तो आप हमको इस वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।